नमस्कार, मैं हूं गायत्री गुप्ता और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़। स्वागत है आप सभी दर्शकों का मेरे प्रोग्राम में। और बात करूंगी देश को लेकर, बात करूंगी इसरो चीफ के एक ऐसे बयान को लेकर जिसने उन लोगों को मुंहतोड़ जवाब दिया है जो क्षेत्र की राजनीति करते हैं, जो देश को ताक पर रखकर सबसे पहले मैं यानी अपनी खुद की बात करते हैं और हम यानी कि हिंदुस्तान को छोड़ देते हैं। कुल मिलाकर जिस तरह से के सिवन जो कि इसरो के चीफ हैं उस वक्त चर्चाओं में आ गए, इससे पहले कि नहीं कि वो उस पद पे थे, लेकिन जिस बीती 7 सितंबर को लैंडिंग देखने पहुंचे, जब चांद पर विक्रम लैंडर की लैंडिंग होने वाली थी, उस वक्त पीएम मोदी भी इसरो में मौजूद थे। और जैसे ही जो संपर्क नहीं हो पाया तो उसके बाद के सिवन पीएम मोदी के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़े थे। उस वक्त के सिवन सबसे ज्यादा चर्चाओं में आए, मीडिया में के सिवन का अपना एक नाम बन गया, हर कोई उनके बारे में जानने के लिए उत्सुक हो गया कि आखिर कौन है के सिवन, क्या करते हैं, क्या रही उनकी जिंदगी। उनकी जिंदगी का पूरा डाटाबेस जो है मीडिया में खुलकर सामने आया। अब ऐसे में जाहिर सी बात है के सिवन जो है साउथ इंडियन है, तमिलनाडु से ताल्लुक रखते हैं ऐसा कहा जाता है। और ऐसे में उन्होंने जो जोरदार बयान दिया इंटरव्यू में, उसने पीएम मोदी के भी कान खड़े कर दिए। और जो उस बयान के बाद शायद उन लोगों को सबसे ज़्यादा तकलीफ होगी या उन लोगों को सबसे ज़्यादा नसीहत मिलेगी जो हमेशा क्षेत्रवाद की राजनीति को बढ़ावा देते हैं, जो देश को ताक पे रख के सिर्फ अपने राज्य की राजनीति करते हैं। जैसे कि एक मसला मैं शेयर बताना चाहूँगी आपको, महाराष्ट्र में जब यूपी बिहार के लोगों के खिलाफ हल्ला बोल किया गया था, मार मार के भगाया जा रहा था, क्या महाराष्ट्र सिर्फ मराठियों का है? गुजरात जहाँ से बिहारियों को बीते साल भगाया गया, क्या गुजरात सिर्फ गुजरातियों का है? नहीं, इस देश का कोई भी नागरिक किसी भी राज्य में जा सकता है, वहाँ घर बना सकता है, रोजी रोटी कमा सकता है। हम आज़ाद हैं, हम अंग्रेज़ों के शासन में नहीं हैं, लेकिन फिर भी आज कहीं ना कहीं क्षेत्रवाद की राजनीति जो है चरम पर पड़ती जा रही है। और इसी क्षेत्रवाद की राजनीति को के सिवन ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। इंटरव्यू में उनसे एक सवाल पूछा गया कि एक तमिल के तौर पर आप इतने बड़े औहदे पर पहुंचे हैं, तमिलनाडु के लोगों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? इस पर सिवन ने जवाब दिया, सबसे पहले, ध्यान से सुनिएगा दर्शकों, सबसे पहले मैं एक भारतीय हूं, मैंने एक भारतीय के तौर पर इसरो ज्वाइन किया। इसरो ऐसी जगह है जहां सभी क्षेत्रों और अलग अलग भाषाओं वाले लोग एक साथ काम करते हैं और अपना योगदान देते हैं। मैं अपने भाइयों के प्रति आभारी हूँ जो मेरी प्रशंसा करते हैं। ये दिया उन्होंने। और फिर जो उनका ये बयान आया उसके बाद से तो सोशल मीडिया पर उनकी तारीफों की बौछार हो गई, एकदम बारिश हो गई। लोगों ने जम कर के सिवन के स्टेटमेंट की तारीफ की और ट्विटर पर सिवन के जवाब की जमकर तारीफ हुई। और एक हैदराबादी यूज़र थे विश्वनाथ, उन्होंने ट्वीट किया, मैं पहले एक भारतीय हूँ, तमिल चैनल को उन्होंने इंटरव्यू दिया था के सिवन ने, ये कहकर उन्होंने सबका दिल जीत लिया। लेकिन मेरा एक सवाल है, जब पीवी सिंधु भारत का गौरव बढ़ाती हैं तो उनके राज्य के लोग क्यों उनकी क्षेत्रीय पहचान पर खास जोर देते रहे? इस दोहरे रवैये से हम कैसे पार पाएंगे? यानी कि अभी भी हमारे देश में क्षेत्रवाद को लेकर बहुत ज़्यादा समस्या है। के सिवन जो कि इतने पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल हैं, साइंटिस्ट हैं, उनका बैकग्राउंड अगर नज़र डालेंगे तो कोई बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे या अमीर ख़ानदान से नहीं थे वो। उन्होंने धीरे धीरे आज जिस रसूख को वो पा रहे हैं उसके लिए उन्होंने खुद मेहनत की। कहा जाता है उन्होंने आम बेचे, उन्होंने बहुत गरीबी में पढ़ाई की और आज देखिए चंद्रयान 2 के कहीं ना कहीं कर्ता धरता वही कहे जा रहे हैं। हालांकि विक्रम लैंडर से अभी जमीनी सतह पर इसरो का संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर भी कोशिशें जारी हैं। और कहते हैं ना, कोशिशें जारी हैं और कहते हैं उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए, होप सस्टेन्स लाइफ। के सिवन ने कितनी मेहनत की, इसरो के वैज्ञानिकों ने कितनी मेहनत की, हर कोई जानता है और खुद पीएम मोदी ने भी इस बात को सराहा। और जाहिर सी बात है कि भले ही के सिवन तमिलनाडु से ताल्लुक रखते हों, लेकिन फिर भी उन्होंने जो भारतीय होने की बात कही उसने पूरे देशवासियों को खुश कर दिया। यही तो होता है अपने आप में एक हिंदुस्तानी होने का जज्बा। हम किसी राज्य को रिप्रेजेंट ना करें, हम एक देश को रिप्रेजेंट करें। फिल्म चक दे इंडिया आपने देखी होगी, जिसमें शाहरुख खान अपनी जो उनकी टीम थी उसमें लड़कियों से पूछते हैं तो उसमें लड़कियां इंट्रोड्यूस करती हैं और फिर अपने राज्य का नाम लेती हैं, मैं पंजाब से, मैं दिल्ली से, मैं उत्तर प्रदेश से, लेकिन उसमें एक ऐसी प्रेयर होती है जो कहती है आई एम इंडियन, मैं भारतीय हूँ, और ये बात क्लिक कर जाती है। वो तो खैर फिल्म थी, लेकिन जो भी इस डायलॉग को, इस सीन को देखता है, उस हर किसी के दर्शक के जहन में ये बात क्लिक कर जाती है। ठीक यही बात के सिवन ने कही। और जाहिर सी बात है ये चीज़ हमें सीखनी चाहिए कि हम हिंदुस्तानी पहले हैं, हम यूपी बिहारी मराठी गुजराती तमिल तेलुगु और केरला जो भी बोल लीजिए वो सब बाद में है, हम सबसे पहले हिंदुस्तानी हैं।
नमस्कार।